व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन? देखो, ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स बोथ द इमीडिएट इमीडिएट कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एन एक्ट. सो इंक्लूड्स बोथ, कौन कौन? बोले इमीडिएट कॉज और इमीडिएट इफेक्ट. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इमीडिएट कॉज तात्कालिक कारण प्लस तात्कालिक इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट. वो अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दो ना यहां पर इफेक्ट. सो इमीडिएट कॉज प्लस इमीडिएट इफेक्ट. तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है तत्कालिक कारण किसी काम को करने का. काम क्या किया? मर्डर किया. काम का असर क्या हुआ? मर्डर का. अरे भाई मार दिया तो मर गए. तो व्हाट इज दिस? एक ही समयवार के हिस्सा हो गए, वो सेम ट्रांजेक्शन का वो पार्ट हो गए. यानी वो लिंक बनती चली गई. एक इलाहाबाद से गाड़ी चुराना प्रयागराज से, वहां से लेकर के आगे बनारस को जाना, बी और सी के पास मिलना, बी और सी और ए तीनों मिलकर के जौनपुर जाना, और ए बी सी और तीनों मिलकर के जौनपुर से कानपुर जाना, वहां डी को मिलना, और वहां पर जाके ए बी सी और डी सब मिलकर के एक सरबाई का मर्डर करके आना. क्या है ये? एक कड़ी है, कहीं कोई मिसिंग नहीं है. यहां से शुरू होती है, अगर इलाहाबाद से शुरू होती है तो ये सीधा जाके कानपुर पर रुकती है. मैंने कानपुर में जाके एक सरबाई का मर्डर करके ही खत्म होता है. तो बीच में सारी कड़ियां क्या है? इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़ी हुई है. तो क्या कहा जाएगा? देखो, अब ए जितने बजे गाड़ी चुराया होगा प्रयागराज से, उतने ही बजे सब कुछ नहीं हो गया होगा. तो ये अलग प्लेस है, अलग टाइम है. ए जो है गाड़ी चुराता है रात के 12:10 में, और दिन कोई हो महीना कोई हो, वहां से इलाहाबाद से लेके जाता है कहां पर? मान लो जाता है वो जौनपुर, तो सॉरी वाराणसी जाता है ना, तो वाराणसी. तो वाराणसी पहुंचेगा वो किसी और टाइम पर, मिलेगा किसी और टाइम पर, फिर आगे जाएगा जौनपुर, फिर आगे जाएगा कानपुर. तो सबका टाइमिंग अलग है, सबका प्लेस अलग है. इवन दो कि चारों व्यक्तियों का टाइमिंग और प्लेस अलग अलग है, फिर भी ये सब क्या कर रहे हैं? एक ही संव्यवहार, एक ही ट्रांजेक्शन का हिस्सा होते हैं. तो यही बात तो सेक्शन 6 कहता है. सेक्शन 6 कोई नई बात नहीं कहता है. सेक्शन 6 यही कहता है कि भाई एक संव्यवहार का हिस्सा होना चाहिए, वो अलग टाइम पर निकल के आते हो, अलग अलग प्लेस से निकल के आते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. कोई फैक्ट एक ही समय से निकले या अलग अलग समय से निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो दिस इज होल एंड सोल रिगार्डिंग सेक्शन 6, जो कि मैंने अभी तक बेयर रीडिंग करके आपको शेयर करी है. अब इसके अंदर की जो बातें हैं टेक्निकल, वो जरा समझते चलना ध्यान से, और क्या क्या इंटरेस्टिंग और जरूरी बातें होती हैं. देखिए, इलस्ट्रेशन तो मैं बताऊंगा लेकिन बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी आगे चलते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको जरा यहां शेयर कर देता हूं. देखो, सेक्शन 6 में जाने के पहले मैंने जो बताया था वही बात यहां पर लिखी हुई है. यहां पर अगर हम कहते हैं कि कोई फैक्ट सुसंगत है तो सुसंगत क्यों है, कोई फैक्ट रेलिवेंट है तो भैया रेलिवेंट क्यों है? यहां पर क्या कहा? फैक्ट्स रेलिवेंट टू द इशू. अगर कोई फैक्ट रेलिवेंट होता है किसी भी इशू में, कहता है कि वो इस तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अरेंज किया गया है. देखिए, यानी कि कोई भी फैक्ट अगर आपके लिए रेलिवेंट होता है तो रेलिवेंट होता इसीलिए है कि भाई वो सेक्शन 5 से 55 के बीच में कहीं ना कहीं फॉल करता है. और सेक्शन 5 को तो हटा दो, क्योंकि सेक्शन 5 तो सीधा बस इतना ही कहता है कि हम एविडेंस देंगे तो रिलेवेंट फैक्ट का देंगे, एविडेंस देंगे तो किसका देंगे? फैक्ट इन इशू का देंगे. और बता दिया मैंने फैक्ट इन इशू. अब जैसे एग्जांपल बताया रेप वाला, तो रेप वाले में पुलिस वाले के ऊपर, आईओ के ऊपर एलिगेशन लगा कि उसने रेप कमिट किया है, तो वो महिला अपने तरफ से साक्ष्य लाएगी, वो ला सकती है कि हाँ पुलिस वाले ने उसके साथ रेप कमिट किया. और पुलिस वाला एविडेंस ला सकता है और लाएगा ये साबित करने के लिए कि भाई उसने रेप कमिट नहीं किया. तो ये पावर कहां से मिला कि वो लाएगा और वो लाएगी? सेक्शन 5 की वजह से मिला.
सिमिलरली अगर मैं आपको रिलेवेंट फैक्ट की बात करूं तो रिलेवेंट फैक्ट जो यहां पर सुसंगत तथ्य निकल के आया कि उसने तुरंत घटना के तुरंत बाद अपनी मदर को जाके बताया कि हाँ भाई मेरे साथ रेप हुआ है। दिस इज द होल एंड सो। तो कहां पर है ये प्रोविजन, जरा मैं आपको शेयर कर देता हूं, देखो ध्यान से, निकाल लो अपना बेयर एक्ट।